मसाला, क्या सीक्रेट है, क्या डालूँ। डन। सो मैंने भाई एकदम परफेक्ट रेसिपी बना ली है गरम मसाले की, और कुछ सीक्रेट नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। ये रेसिपी ऐसी है कि मतलब आप घर में कुछ भी खाना बनाओ ना, कुछ भी पकवान बनाओ, एक या दो चुटकी गरम मसाला डालिए, आपका वो डिश यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी एकदम टॉप लेवल पे। हमारे इंडियन खाने की जान होते हैं मसाले, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या खड़े मसाले के फॉर्म में। सो उसमें से एक है ये गरम मसाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है कनिशा डिंगरा, शेफ के आरडी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक ऐसी अमेजिंग रेसिपीज पहुंच सकें। तो आज हम बनाएंगे गरम मसाला, और इतनी आसान रेसिपी है, क्या क्या डालना है इसके अंदर, कौन से खड़े मसाले हम यूज़ करेंगे, प्रॉपर टिप्स स्टेप्स कैसे बनाना है आपको गरम मसाला, सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। बने रहें बस मेरे साथ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर गरम मसाला। सो यहाँ पे मैं लूँगा एक पैन और करूँगा गैस को ऑन, और ध्यान रखिए नॉनस्टिक पैन यूज़ ना करें, क्या होगा ना मसालों को टोस्ट करेंगे ना तो रगड़ खाएंगे, सो उससे चांस है कि आपके नॉनस्टिक पैन की कोटिंग निकल जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे मोटे मोटे मसाले हैं, ठीक है, उनको मैं टोस्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा हमारी बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता। सो हमारे जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं ना, वो दो कैटेगरी में होते हैं, एक होते हैं सौंधे मतलब जो माइल्ड खुशबू वाले जिनमें महक रहती है ज़्यादा, और दूसरे होते हैं अर्दी जिसमें गर्माहट रहती है और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है। सो अभी मैंने यहाँ पे लिया तेज़पत्ता जो जैसे कि मोटा है। सो मोटे मोटे जो खड़े मसाले हैं उनको अलग से रोस्ट करूँगा, बारीक बारीक को एक साथ, जिनका साइज सेम है उनको एक साथ, जिनका साइज छोटा है उनको भी एक साथ। उसका रीज़न ये है कि मसाले जलेंगे नहीं, और हर एक मसाले का रोस्टिंग टेम्परेचर अलग होता है। सो खड़े मसालों को भूनना इसलिए ज़रूरी है, क्या होता है ना ये जिनके अंदर का मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाता है, सो ये ऐसे क्रिस्पी हो जाते हैं और पीसने में आसानी होती है। और दूसरा रीज़न जो है इनके अंदर होता है एसेंशियल ऑयल, वो बाहर आता है इनको जैसे हीट मिलती है, सो इनकी खुशबू बढ़ती है। ये दो मेन रीज़न होते हैं इनको भूनने के। तो ये लीजिए, ये हो गए हमारे यहाँ पे रोस्ट, सिर्फ गर्माहट दी है मैंने इनको और इनका मॉइस्चर हटाया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मसाले की तरफ, जो कि हमारा सौंधा मसाला यानी कि ये है सिनेमन स्टिक। ये भी मोटा रहता है, इनका साइज़ भी ज़्यादा है, तो इसको भी हम अलग से भुनेंगे। ये गई हमारी सिनेमन स्टिक इसमें। सो आज जो ये रेसिपी ना गरम मसाले की, उसकी खास बात ये है कि जो आप ग्रेवीज घर में बनाते हैं ना, ग्रेवी वाली डिश हो गई, दाल बनाई, एक चुटकी डाल दो उनमें भाई, जादू हो जाएगा जादू। तो लीजिए इसको भी मैं निकाल दूंगा इसमें। अब बढ़ते हैं हम दूसरे मसालों की तरफ। तो यहाँ पे मैं लूँगा लौंग, ठीक है, यहाँ पे ली मैंने हरी इलायची, ये सारे एक साइज के इसलिए मैं ले रहा हूँ। ये ली यहाँ पे स्टार एनीस, ये हमारा यहाँ पे जावित्री, और ये यहाँ पे हमारा एक पूरा नटमैग लिया मैंने, हो गया इसमें। इनको भी हम रोस्ट करेंगे अच्छी तरीके से। आप हमेशा नोटिस करेंगे रोस्ट करते समय ना क्रैकलिंग साउंड आता है, चट चट ऐसे करके, तो उसका मतलब जो हमारे मसाले हैं उनके अंदर हीट पहुंच रही है और उनका एसेंशियल ऑयल बाहर आ रहा है, सो वो एक इंडिकेशन होता है। थोड़ा सा क्रैकल हो, आपको महक आने लग जाए मसालों की, सो उसी टाइम पे निकाल लें कि मतलब वो हो गया है। ये भी निकाल लिया जी मैंने इसमें। सो बेसिकली गरम मसाला ना बैलेंस होता है इन सब चीज़ों का, खुशबू का, तीखेपन का, मिठास का, कड़वाहट भी होती है मसालों में, सो सबका बैलेंस होता है वो। सो अब हम बढ़ेंगे हमारे जो बारीक मसाले हैं जो एकदम सारे फ्लेवर्स को बैलेंस कर देते हैं उनकी तरफ। और ध्यान रखिए पैन को है ना कम फ्लेम पे रखना है आपको, फ्लेम तेज नहीं करनी क्योंकि उससे डर रहता है भाई मसाले जलने का। और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, ये हमारा नॉर्मल जीरा है, साथ में मैं लूँगा यहाँ पे काला जीरा यानी कि शाही जीरा ही बोलते हैं इसको, ये भी डालूँगा मैं, और हमारे यहाँ पे धनिया की बीज। अब देखिए कैसा क्रैकल हो रहा है ये, बस इसका मतलब हमारे मसाले परफेक्टली भुन रहे हैं। ये लीजिए ये भी हो गया हमारा, इसको भी मैं निकाल लूंगा प्लेट में। अब कुछ मसाले और हैं वो भी हम डालेंगे। ये गई इसमें हमारी काली मिर्च, और साथ में यहाँ पे हमारी काली इलायची भी, ठीक है, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है हल्का सा रोस्ट होने में, सो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा है। ये लीजिए क्या महक आ रही है यार इसमें से। सो अब बारी हमारे डेलिकेट मसालों की, सो इसलिए मैं कर दूंगा गैस को बंद,
जो पैन की हीट है उसी में इन दोनों को डालूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं। उसमें से एक है हमारा पत्थर फूल और दूसरा है हमारा पॉपी सीड्स यानी कि खस, ये डाला मैंने इसमें पत्थर का फूल, ठीक है, और ये गई हमारे यहाँ पे पॉपी सीड्स यानी कि खस। अब इनको भी हम थोड़ी देर के लिए जो पैन की हीट मेंटेन थी उसी में रखेंगे, सो इनका भी फ्लेवर बाहर निकल के आ जाएगा। ये लीजिए, हो गया हमारा यहाँ पे सारे मसाले तैयार, अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए सारे के सारे। सो ये है जी हमारे खास स्पेशल गरम मसाले का राज, खुल गया। कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था, यही सारे मसाले आपको इजीली मिल जाएंगे कहीं पे भी, घर में लाइए रोस्ट करिए और तैयार करें आपका होममेड सुगंधित गरम मसाला। सो अब क्या करना है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मसाला जब प्रॉपरली कूल डाउन हो जाए, एकदम प्रॉपरली कूल डाउन, तब हमें इसको पाउडर बनाना है। एक्चुअली क्या होगा ना, अभी ये गर्म है, फिर हम मिक्सी में डालेंगे, मिक्सी में भी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब वो चलती है मिक्सी हमारी, सो उसमें ये मसालों की महक उड़ जाएगी गर्माहट से, उनका रंग काला हो जाएगा। सो इसलिए ये बात का आपको ध्यान रखना, ठंडा होने के बाद ही इसको पीसें। सो लीजिए हमारे मसाले तो प्रॉपर कूल डाउन हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना थोड़ा जो बड़े बड़े साइज़ के मसाले हैं उनको हल्का सा तोड़ रहा हूँ, जैसे तेज़पत्ता हो गया या सिनेमन स्टिक हो गई, ताकि पीसने में आसानी हो। अब आपको लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर जार, और ध्यान रखिए वो ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब मैं डालूंगा इसके अंदर हमारे मसाले और इनका हम बनाएंगे पाउडर। अगर एक बारी में नहीं पीस रहे तो कोई नहीं, आप दो बारी में पीस सकते हैं इसको। तो मेरे तो मसाले एक बार में आ गए जार में, अगर आप अलग अलग पीसेंगे, मतलब पहले थोड़ी सी क्वांटिटी, फिर दूसरे बार थोड़ी और क्वांटिटी, तो ध्यान रखिए आखिरी में आप पूरा मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। ये लीजिए, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। बीच में आप चेक कर लीजिए कितना पीस रहा है कितना नहीं, लेकिन जब एकदम फाइन पाउडर हो जाएगा ना तो थोड़ी देर बाद खोलना, मतलब ऐसे जैसे कि 5-6 सेकंड बाद, नहीं तो क्या होगा ना एकदम पाउडर उड़ता है, फिर आपके नाक में चला जाएगा, आप छींकते रह जाओगे। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा हो गया एकदम बेहतरीन महक वाला गरम मसाला तैयार, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। सो दिस वॉज आर गरम मसाला रेसिपी, बहुत ही आसान थी, आपने जैसे देखा सेम स्टेप्स फॉलो करें, सेम क्वांटिटी फॉलो करें, आपका गरम मसाला परफेक्ट बनेगा घर पे। और इसको बनाने के बाद आपको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, ताकि आप इसका मज़ा ले सकें 6-7 महीने तक, 1 साल तक मस्त चलेगा अगर आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में रखा तो। स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी बस खाइए, बनाइए, मज़े करिए, खुश रहिए, खुश रखिए, मिलेंगे एक और रेसिपी वीडियो के साथ, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, बाय बाय।